वेलकम टू दिस सेशन इस वीडियो में हम गेट 2021 के कुछ इजी क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो ये जो क्वेश्चन थे ये गेट 2021 कंप्यूटर साइंस से आए थे और जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे मेजरली इट्स मोर अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑब्वियसली इस सीरीज़ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगा इन अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सेकेंडली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो उसके लिए जस्ट वॉच दिस वीडियो गीक्स फॉर गीक्स गेट सीएस ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट इज अ मिनिएचराइज़ सिमुलेशन ऑफ द रियल एग्जाम So, attempting this free online test will surely boost your GATE exam preparation. It will provide you admission into one of the best GATE Live batches with flying discounts. Benefits The top 3 will be getting a 75% scholarship. The top 4 to top 10 will be getting a 50% scholarship. The top 11 to top 50 will be getting a 15% scholarship. The top 50 to top 100 will be getting a 10% scholarship. सो नाओ लेट स्टार्ट ओके सो विल स्टार्ट सबसे पहले हम कुछ ईजी क्वेश्चन को कवर करेंगे बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होंगे काफ़ी ईजी रहेंगे जो हम लोग यहाँ से कवर करेंगे ओके द फर्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग अरे विच गोर्थम आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूजेज द लीस्ट नंबर ऑफ कंपेरिजन अमंग द अरे एलिमेंट्स टू सॉट द अब अरे इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि अगर आपके पास कुछ अरे गिवन है और वो जो जो डेटा हमारे पास है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें बनाना है तो इसमें से कौन सी ऐसी सॉर्टिंग रिकॉर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें जो टाइम है वो सबसे कम लगे अब ध्यान दो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही हमें कुछ आंसर्स जो मतलब जो नंबरिंग्स हैं यानी कि कौन कौन से डेटा है वो हमें पहले से गिवन है और आप चेक करोगे पूरा जो डेटा है वो पहले से ही सॉर्टेड है राइट जैसे ट्वेंटी वन है राइट लेट मी चेक दिस ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव सिक्सटी एंड सो ऑन जो डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है और वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है जैसे यहाँ पर है इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर अब अगर देखें कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे तो अगर सबसे पहले मैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात करता हूँ तो सिलेक्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ एंड स्क्वायर यानी कि डेटा पहले से ही अगर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है और उस केस में अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट अगर आप यूज करोगे उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स बढ़ेगी दैट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर राइट अगर हम मर्च सॉर्ट की बात करते हैं तो आई नो दैट मर्ज सॉर्ट इज वेरी यू नो गुड क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सी रहेगी वो रहेगी दैट इज बिग ऑफ एन लॉक एन वो काफी ईजी है चाहे वो बेस्ट केस है चाहे वर्स्ट केस है उन दोनों केसेस परम्पलेक्सिटी होगी दैट इज एन लॉक एन राइट एंड थर्ड वन इजन सॉर्ट अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्यों क्योंकि जब बेस्ट केस की बात करूंगा राइट द डेटा ऑलरेडी ऑलरेडी पहले से ही सॉर्टेड है जैसे इंसेंडिंग ऑर्डर में तो जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ करेक्ट और जो इसका वर्स्ट केस होता है हमारे पास दैट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर अब इस पूरे क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से डेटा जो है वो पहले से ही सॉर्टेड है और उसी को हम दोबारा से इस पे अगर हम सॉर्टिंग लगाएंगे तो जो टाइम हमें लगेगा दैट इज बिग ऑफ एन

क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है इट हार्डली टेक्स लाइक थर्टी सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने के लिए और उसके जो टाइम कॉम्प्लेक्स रहेगी दैट इज आई मीन जो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिकॉज डेटा पहले से ही सॉर्टेड है और उस पर हमें इंसर्शन uh, सॉर्ट लगाएंगे तो जो टाइम लगेगा वो सिर्फ उसमें कोई भी कंपेरिजन नहीं होगी राइट सो इट इज बिग ऑफ एन वे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो सी इज द करेक्ट आंसर करेक्ट सो नॉल सोल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इजी question so consider the following sequence of operations on an empty stack aapke paas ek empty stack hai us pe kuch operations hum log kar rahe hain to check kar lete hain yahan se so let us suppose this is your stack is stack mein humne push 54 karna hai so this will be 54 uske baad we will push 52 humne 52 ko push kiya hum logon ne then there is a push operation to तो humne push operation kiya yani ki humne 52 ko yahan se nikal diya वो 55. So 55 यहाँ पर आ जाएगा टू I mean so आएगा एंड करने की जो वैल्यू है हम एस के अंदर सेव करें यानी कि एस की जो वैल्यू हमारे पास रहेगी दैट इज सिक्सटी टू राइट इन दिस वे करेक्ट और इसको हमने यहाँ से पॉप किया और एस की वैल्यू कितनी होगी दैट इज सिक्सटी टू द सेकेंड क्वेश्चन अगर हम एन uh, क्यू करते हैं तो क्या डेटा यहाँ से हम लोग निकालेंगे राइट right? कहने का मतलब है कि लेट अस सपोज दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ क्यू ये क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहला एन क्यू ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन को हमने डाला देन एन क्यू ट्वेंटी फोर तो हमने ट्वेंटी फोर को यहाँ पर डाला देन डी क्यू हमने डी क्यू किया यानी कि हमने ट्वेंटी वन को यहाँ से निकाल दिया ट्वेंटी वन को रिमूव कर दिया देन एन क्यू ट्वेंटी एट तो हमने ट्वेंटी एट को डाला टी टू तो थर्टी टू यहाँ पर आएगा देन हमने डी क्यू किया और उसकी वैल्यू क्यू के अंदर हमें डाला सो so, यानी कि अगर हम यहाँ से डी क्यू करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट इज ट्वेंटी फोर सो दिस इज ट्वेंटी फोर नाउट दास्क वट इज द वैल्यू ऑफ एस प्लस क्यू एस की वैल्यू कितनी होगी दैट यू कैन फाइंड इट इज सिक्सटी टू प्लस और क्यू की कि वैल्यू कितनी होगी दैट इज ट्वेंटी फोर इन दोनों का आप ऐड करेंगे सो दिस इज एटी सिक्स सो एटी सिक्स

मैक्सिमम एलिमेंट इन टी राइट सो अगेन ये स्टेटमेंट जो है ना स्टेटमेंट समझना अगर ये आप समझ पाए कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होगा करेक्ट देखो मैं एक बाइनरी ट्री की बात करते हैं कुछ एक दो एग्जांपल्स देते हैं बट ये है tree, okay? so, suppose, randomly, मैं एक ट्री को यहाँ से बना रहा हूँ ओके okay?

थर्टी थ्री और थर्टी टू ले लो राइट एंड मे बी यू कैन फाइंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव समय रेंडमली मैंने कुछ नंबर ले लिया ओके नाउ देस्किंग कि जो भी डेटा मेरे पास है जो भी ट्री मेरे पास है इस पूरे ट्री में हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है राइट right? वो कहीं पर हो सकता है और जो उसका स्मॉलर जो डेटा है वो उसको उसको सर्च करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी

जो सबसे बड़ा डेटा है उसको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा राइट हमें एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम नंबर को ढूंढना ही नहीं है ज़रूरत ही नहीं है हमें उसकी क्वेश्चन पूछा यह है कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उससे जो छोटा वैल्यू होगा कोई भी छोटा वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है तो वट कैन डू इज आप स्टार्टिंग पे आप जाओ ठीक है और किसी भी एक एलिमेंट से कुछ भी रेंडमली किसी एक को जो इसका लेफ्ट है या इसका राइट है किसी भी एक वैल्यू से कंपेयर कर लो एनीथिंग राइट right? जैसे अगर मेरे पास थर्टी टू है और यहाँ पर मेरे पास ट्वेंटी एट है इन दोनों को आप इन दोनों से कंपेयर कर लो विच इज अ स्माल वैल्यू सिक्सटी टू और थर्टी टू और ट्वेंटी फोर में से विच वैल्यू वैल्यूट बस इन दोनों कंपेयर करो कंपेयर करो छोटी वैल्यू कितनी होगी दैट्स इट कितने इज द आंसर वाई हमें सबसे बड़े को सर्च नहीं करना हमें बस ये देखना है कि जो सबसे बड़ा है उससे कोई भी छोटी वैल्यू को हमें लेना राइट right? और वो कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है इट कैन बी रूट पर भी हो सकता है डेटा वो सबसे लीफ पर भी हो सकता है वो कहीं पर भी हो सकता है बट हमें किसी भी छोटी वैल्यू को लेना है अब किसी भी दो नंबर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो उससे छोटा जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा राइट तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स लगी हमें यहाँ पर सर्च मतलब हमें मैक्सिमम नंबर को सर्च मैक्मम नंबर की वैल्यू को हमें सर्च नहीं करना हमें बस ये बताना है कि सबसे बड़ा वैल्यू है उसकी छोटी वैल्यू कौन सी इन दोनों से कंपेयर कर लो यू कैन फाइंड ट्वेंटी फोर दैट्स इट जो दाइम कॉम्प्लेक्स लगेगी दट इज बिग ऑफ वन तो बिग ऑफ वन ही इसके टाइम लगेगी इसका आंसर देने के लिए बट अगेन लेट मी गिवर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ माइट बी यू गेट कुछ क्वेश्चन हो सकता है बट सपोज हमारे पास एक नंबर है रूट right? है सबसे बड़ी वैल्यू है लेफ्ट में राइट मे बी आई कैन फाइंड अ वैल्यू विच इज वन मे बी आई कैन फाइंड अ वैल्यू जीरो मे बी आई कैन फाइंड अ वैल्यू विच इज इजोजी थ्री राइट कुछ भी डेटा हो सकता है अब हमें बोलना है हमें किसी सबसे बड़े वैल्यू को नहीं देखना बस हमें उसे छोटी वैल्यू को देखना है तो हमें करना क्या है इस पूरे ट्री में किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर लो सिक्सटी फोर और वन किसी वैल्यू को कंपेयर कर लो कंपेयर करो तो कौन सी छोटी होगी से स्मॉलर दैट इज द करेक्ट 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 आंसर आंसर तो कितना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल विल बी बी बिग ऑफ दैट्स इट सो द करेक्ट आंसर डी डी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन का सिर्फ एक ही ट्रक पूरे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते अगर आपको कोई अच्छे से समझ आता है कि वो क्या बोलना चाहता है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली अगर आप इस क्वेश्चन को समझने में आपको यू नो क्वेश्चन इस तरह गेट के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जहाँ से आपको स्टेटमेंट को पढ़ने का टाइम लगता है उसको समझने का टाइम लगता है अदरवाइज सॉल्यूशंस आर वेरी इजी करेक्ट आंसर री बी डी डी इज द करेक्ट आंसर ओकेट इज अंबर ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ आपके पास मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री यहाँ पर क्या हो सकता है कितने हैं सिर्फ एक नहीं कितने हैं हाउ मेनी और देखो क्वेश्चन जो ना बहुत बड़ा नहीं है राइट right? क्यों वाई ऐसा क्यों नहीं है आप किसी भी एल्गोरिथम को आप यूज कर सकते हो यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम ठीक है जैसे आप चाहो तो uh, जो भी प्रिम्स एल्गोरिथम है क्रिस्कल्स एल्गोरिथम है किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो अब लेट अस स्टार्ट दिस वन जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्टार्ट विद दिस वन अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ठीक है तो व्हाट आई कैन डू हियर इज मे बी आई कैन सेलेक्ट दिस वन राइट इन दोनों में से आई कैन टेक स्मॉलर वैल्यू कितनी होगी वन तो मैं यहाँ से जीरो पॉइंट वन पर पहुँच जाएंगे

राइट एंड देन मे बी यू कैन फाइंड दिस वन राइट तो ये एक सोल्यूशन यहाँ से निकल सकता है तो बेसिकली होना क्या है कि कुछ जो एजेज है ना वो हमेशा, फिक्स हमेशा रहेंगे. Right. कहने का मतलब क्या है राइट I mean right. क्योंकि ये दोनों बड़ी है राइट आई कैन टेक दिस वन राइट आई कैन टेक दिस वन राइट आई कैन टेक दिस वन

तो वहां से आपके पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा राइट right? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये सभी जो रेड कलर जो मैंने यहाँ पे बनाई है दिस ऑलवेज भी देयर चाहे कोई भी इसके अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम बनाएंगे तो रेड वाले कलर हमेशा सही रहेंगे और जो नहीं है जो इसमें ब्लैक कलर में है राइट right? जो ब्लैक है इसमें से यू हैव हैव चॉइस इनमें से आपके पास चॉइस है राइट सो इन दैट केस वी हैव ओनली थ्री चॉइसेस

So, attempting this free online test will surely boost your GATE exam preparation. It will provide you admission into one of the best GATE Live batches with flying discounts. Benefits The top 3 will be getting a 75% scholarship. The top 4 to top 10 will be getting a 50% scholarship. The top 11 to top 50 will be getting a 15% scholarship. The top 50 to top 100 will be getting a 10% scholarship.